भाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग यहां कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अधिक से अधिक समय लेकर दिल्ली की इस समय जो सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करके दिल्ली सरकार को नकारा और विज्ञापन जीवी करा देते हैं। कितने सारे तीखी प्रतिक्रियाएं करके सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह कह दिया है कि प्रदूषण से निपटने का इंतजाम आप नहीं कर पाए और इस समस्या को दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा तमाम तरह की दलीलें दिल्ली सरकार के वकीलों ने दी जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना और साफ शब्दों में कहा कि दिल्ली सरकार जिसको मुद्दा बनाकर पराली को मुद्दा बनाकर जो प्रदूषण की बात दिल्ली में कर रही है वो कोई मुद्दा नहीं है। वो दिल्ली सरकार उस पक्ष को बेमानी से रख रही है। मात्र 4% दिल्ली में प्रदूषण पराली के जलने से पैदा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अधिक से अधिक प्रदूषण 70% प्रदूषण व्हीकल ट्रैफिक से इंडस्ट्रियल प्रदूषण और 10 से होता है जिसका कोई जवाब दिल्ली सरकार के वकीलों के पास नहीं था। दिल्ली सरकार के वकीलों ने बचने की कोशिश सरकारी अफसरों पर डालने की कोशिश की जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितना मर्जी समय लगे लेकिन आज इसमें अंतिम निर्णय हमें लेना है कि दिल्ली सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है और क्या ठोस कदम उसको इस प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उठाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बार बार हर साल दिल्ली सरकार ऑडिबल और लॉकडाउन की जो बात करती है वो कतई भी इस समस्या का समाधान नहीं। तो कहने का बात कर रही है कांग्रेस सरकार सालों से लगातार इस बात को उठा रही है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण का मुद्दा दिल्ली सरकार के लिए प्राथमिकता नहीं है वो दूसरे प्रकार के कामों में लगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप विज्ञापन के माध्यम से दिखावा तो कर रहे हैं विज्ञापन देकर लोगों को भयभीत तो कर रहे हैं लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं लेकिन प्रदूषण से निपटने के लिए आपके पास ठोस योजनाएं नहीं है और जो भी योजनाएं आपकी है जो आप विज्ञापन के माध्यम से लोगों को बताते हैं वो कागजों पर ही सीमित है। हमारा कहना है कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली के चौधरी अनिल कुमार आज ग्यारहवा दिन है दसवां दिन है दिल्ली के हर विधानसभा में वोट को लेकर कहा उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है उसके सबसे बड़े दो मुद्दे प्रदूषण पर बैठा है जिस पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर दिल्ली की जनता महंगाई से ट्राई ट्राई कर रही और प्रदूषण से भर रही दिल्ली के 2 करोड़ लोग दिल्ली के प्रदूषण से जिसका AQI 999 तक पहुंच गया शुक्रिया है कि उसके ऊपर मीटर बढ़ाते ही इसलिए वो 999 तक जाके रहते अगर कोई ऐसा पैमाना होता कि उसके ऊपर का बता सके तो वो कई हजार हो जाता। दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस प्रदूषण के चलते हुए बीमार हो गए।
और महंगाई से ट्राई ट्राई कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के पास में ठोस कदम नहीं है। सिर्फ 1500 करोड़ रुपए का, 1600 करोड़ रुपए का विज्ञापन लोगों को दिमागी रूप से, मानसिक रूप से भ्रमित करने के लिए लगातार किया जा रहा है, यही दिल्ली सरकार के पास में रास्ता और दूसरा रास्ता है। और इस दिशा में कांग्रेस ने क्या ठोस कदम उठाए जब कांग्रेस की सरकारें थी, वो भी हम बता रहे हैं। कांग्रेस की 15 साल दिल्ली में सरकार रही, श्रीमती शीला दीक्षित की हाथ मुख्यमंत्री रही, हमने ठोस कदम उठाए जिसकी पूरे देश और दुनिया ने तारीफ की, जिसके चलते में प्रदूषण नियंत्रण में आया। लेकिन उसके बाद में वो जो कदम थे, ना तो ये सरकार उन कदमों पर चली, उस रास्ते पर चली, वो मुआवजे का था, न ही उन सुविधाओं को जो उस समय कांग्रेस सरकार के माध्यम से बनाई गई थी उनको आगे बढ़ाया। सारी सरकार की बसों में जो सरकारी बसें सीएनजी अंदर, उससे तो फ्री 6,000 का, 7,000 का होता, आप तो मौजूदा बसों का जब फ्री टैक्स कटकर 2600 हो, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जबकि 2-4-10 बसें कम नहीं हो जाती। हमें 6,000 बसों में सीएनजी लगवाए, सीएनजी के कॉम्पोनेंट लगवाए ताकि दिल्ली का प्रदूषण कम हो, कम हो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मेट्रो हमें चलती, क्या कल्पना कर सकता है दिल्ली का आसन या केजरीवाल की सरकार कि अगर दिल्ली में मेट्रो नहीं चलती तो दिल्ली की क्या हालत होगी? 40 लाख लोगों की रहने की दिल्ली की है जो मेट्रो का इस्तेमाल करते, अगर मेट्रो नहीं होती तो तमाम लोग सड़क पर आ जाते और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भारी कमी है, 6,000 से बढ़ने बसें घटके 2600 पर आ गई है, तो क्या हालत दिल्ली वासियों की होती है, क्या प्रदूषण की हालत होती है? ठोस कदम जो दिल्ली सरकार ने, शीला दीक्षित जी ने, कांग्रेस सरकार ने उठाए, और ऐसी बहुत सारी बातें, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हमारे पास थी जिसके माध्यम से दिल्ली का प्रदूषण कम कर सकते। हमने ग्रीन कवर दिल्ली को में ग्रीन कवर बनाने और बढ़ाने का रिकॉर्ड बनाया और दुनिया भर में उसकी चर्चा हो रही है। आज ग्रीन कवर तो प्राइवेट ही नहीं है, ग्रीन कवर को बढ़ाना, दिल्ली को हरा भरा बनाना, नए पेड़ लगाना, पौधे लगाना दिल्ली केजरीवाल की प्राथमिकता नहीं है, उनकी प्राथमिकता राजनीति है, उनकी प्राथमिकता राज्यों में चुनाव होकर सरकार बनानी है, उनकी आकांक्षाएं उनकी अपेक्षाएं दूसरी तरह की, लेकिन हमारी आकांक्षाएं विकास और भाईचारे की। दिल्ली के अंदर हमने ग्रीन कवर इतना बढ़ाया कि दिल्ली एक सुंदर प्रदूषण रहे ऑक्सीजन से भरा हुआ शहर की लग आज वो चीज नहीं, ये हमारी योजना और प्रतिदिन प्रति महीने के साथ की योजना कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाई बनाई, आज वो चीज नहीं। तो हमारा कहना ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल का नकाब उतार दिया है, उनकी कार्यगुजारी को जनता के सामने रखा है और खुले शब्दों में कह दिया है कि प्रदूषण के मामले में आप फेल है, आप नकारा है, आप सिर्फ विज्ञापन करते हैं और कुछ काम नहीं करते, आपके पास कोई ठोस योजना नहीं है इस प्रदूषण से लड़ने के लिए। तो ये कांग्रेस का हमारा कहना है इस पत्र के माध्यम से कि कांग्रेस जिन बातों को उठाकर इस सरकार के सामने रखती आई है, जिन बातों पर हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं कि दिल्ली की जनता को प्रदूषण की मार पड़ी है, उसके बारे में भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया और ये सरकार प्रदूषण को कुप्रबंधन से अपने कंट्रोल नहीं कर पाई और वो चीज लोगों के सामने है जिसका संज्ञान आज सुप्रीम कोर्ट ने लिया है।